मूवी हम ऑडियंस के बीच इतना क्रेज है कि भाई क्या बताएं। कोरियन मूवी ने पहले कुछ सालों ने ऐसे ऐसे कंटेंट हमारे सामने रखा है कि अब कोई भी कोरियन मूवी रिकमेंड होता है तो देखते जरूर है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरिया अपने फ्रेश कंटेंट से शॉक एंड सरप्राइज ना करे और एंड तक आते आते फुल सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग छोड़ जाए। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही कोरिया की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी में से टॉप 7 कोरियन मूवी पार्ट 2 लाए हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा। उस वीडियो में भी सिर्फ बेस्ट मूवी को पिक किए हैं जो हर टाइम ऑडियंस के बीच हमेशा फेवरेट रहे हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनके कॉन्सेप्ट और उसकी मूवी में इम्प्लीमेंटेशन भाई गजब का होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल से भी ऊपर। तो भाई ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो ये गलत होगा ना, प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। ऊपर से कुछ ऐसी मूवी के बारे में भी बताएंगे जो इस मूवी से भी एक लेवल ऊपर होगा, जिन्हें हम बोनस मूवीज कहते हैं। और हमारे सभी सब्सक्राइबर जानते हैं कि हमेशा इस चैनल का बोनस मूवी बेस्ट होता है, तो बोनस मूवी को कभी भी मिस मत करिएगा। तो चलिए भाई कोरिया की हाई लेवल की क्वालिटी कंटेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की मूवी यार कोरिया की डार्क कॉन्सेप्ट हो, ऊपर से फुल स्वैग में फीमेल एक्शन हो तो वो मूवी देखने में मजा तो आता है, 2011 की साइफाई एक्शन के साथ सेक्टर 7। 2500 मीटर समुंदर के नीचे से तेल निकालना है, पर इसके पीछे छिपा है एक भयंकर मिस्ट्री, वो क्या है आप मूवी देखकर पता लगाइए। मूवी आपको पूरी तरह से शॉक कर सकती है। मूवी की सबसे खास बात लगी लीड कैरेक्टर की वो क्विक डिसीजन और स्वैग में उनकी एक्शन, देखकर मजा ही आ जाता है। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगा कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करा पाती, और वो जो कुछ भी दिखाया है उसका ग्राफिक्स थोड़ा हाई लेवल का होता तो मूवी देखने में और भी मजा आता। बाकी मूवी को लीड एक्ट्रेस की स्वैग के लिए देख डालिए, मूवी हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 4 की कोरियन मूवी आपकी फैमिली के एक गलती की वजह से आपको गद्दार बना दिया जाए, उसके बाद आपके पिता को गद्दार बोलकर मार दिया जाए, तो ऐसे में आप क्या करिएगा। ये मूवी आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ आपको इमोशनल लेवल पे हिट करेगी, 2013 की स्पाई एक्शन के साथ कमिटमेंट। भाई जिस तरह से मूवी का नाम है पूरी मूवी उसी तरह से है। जब एक पिता को गद्दार बोलकर मार दिया जाता है तब एक भाई अपने बहन को बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में स्पाई एजेंट बनने का ऑफर दिया जाता है। कहानी का ट्विस्ट तो ये है कि जब उसके भाई को भी उसके पिता की तरह गद्दार बना दिया जाता है तब एक भाई अपने बहन को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है, और वो सब देखने में मजा बहुत आता है। और सच में भाई इसके कैरेक्टर के बीच की इमोशन आपको हिट करेगी। एक मासूम से स्पाई एजेंट की स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। मूवी हिंदी डबिंग के साथ लेवल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी के फर्स्ट पार्ट ने ही हम ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन टू भूसान की पार्ट 2 पेनिनसुला। मूवी भाई उस लेवल का तो नहीं, पर इसके एंडिंग आपको उस लेवल से भी ऊपर दिखाएगी, आपको इमोशनल हिट करेगी, एक बार देखिएगा जरूर मूवी को। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 की वो कोरियन मूवी ही क्या जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आपके दिमाग को हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर ना समझना पड़े। और इसमें कोई शक नहीं भाई, जब नेटफ्लिक्स का फ्रेश कंटेंट और कोरिया की बियॉन्ड इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन मिलता है तो सिर्फ कंटेंट नहीं सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की खतरनाक मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द कॉल। 20 साल पहले पास्ट ए प्रेजेंट में एक कॉल आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, आप मूवी देखकर पता लगाइए। हम नहीं बता सकते, वो डर सस्पेंस वो मिस्ट्री वाली बात है इस मूवी में। मूवी का नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो मूवी 100% तो परफेक्ट नहीं है, पर इसके कॉन्सेप्ट में दम है। दूसरी वो सवाल कि वो कॉल आया कहां से। बाकी मूवी के ये फ्रेश कंटेंट के लिए देख डालिए, मूवी नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की कोरियन मूवी भाई क्या गजब की मूवी थी, ऐसी बैड एस फीमेल एक्शन हमने आज तक नहीं देखी। सच बात बताए तो भाई स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे, इस लेवल की बैड एस एक्शन है मूवी में। 2017 की एकदम तबाही टाइप मूवी एक्शन थ्रिलर के साथ द विलनेस। मूवी की पेशेंस भाई आप कब तक अपने आप को रोक पाएंगे। अपने एक्स को मारने का मिशन दिया जाए तो आप क्या करिएगा, उसके बाद भी आपको चैन से जीने ना दिया जाए, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे को उड़ा कर मार दिया जाए, तब आप पूरी तरह से सटक जाएंगे ना। उसके बाद से जो मूवी में तबाही होता है ना भाई, मेरा यकीन मानिए ऐसा फीमेल बैडएस एक्शन आपने ना देखा होगा। और ऐसा हो पाया है जो इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसके कैमरा एंगल का मूवमेंट और वो प्लेसमेंट। कई एक्शन सीन में तो कैमरा सर पे लगा दिया, जिसके वजह से लिटरली फील होता है कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। एकदम फ्रेश इस मूवी को बेहिचक देख डालिए, इसके लीड एक्ट्रेस के साथ इसके एक्शन सीन के आप दीवाने हो जाओगे। मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की मूवी यार, ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी नेक्स्ट लेवल की इम्प्लीमेंटेशन और ऐसी इमेजिनेशन सिर्फ कोरिया वालों के पास ही आ सकता है। इस मूवी की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। अगर आपने अभी तक ऐसी मास्टरपीस मूवी को नहीं देखा तो बेहिचक देख डालिए, जिसके एक्शन सीन आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। आज तक आपने ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में एक्शन सीन ना देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2018 की, जिसके सेकेंड पार्ट के लिए हम ऑडियंस 3 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द विच पार्ट 1 द सबवर्जन, क्या ही मूवी की एक्शन सीन है भाई। मूवी को बेहिचक देख डालिए। मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर वन की मूवी के बारे में क्या बताए, मूवी नंबर वन पे है तो सोच लीजिए मूवी किस लेवल की हो। एकदम जबरदस्त खतरनाक टाइप का। जब आपकी प्रेग्नेंट बीवी को किडनैप कर बेरहमी तरीके से मारकर पीसेस में काट कर फेंक दिया जाए तो आप क्या करिएगा, गुस्सा से आपका खून लावा हो जाएगा ना। और जब वो खूनी आपको मिलेगा तो क्या उसे आसान मौत मारिएगा, नहीं भाई उससे भी खतरनाक मौत मारेंगे। तब तक मारेंगे जब तक मरने की हालात में ना हो जाए, ठीक करके फिर से मरने की हालात तक मारेंगे। कुछ ज्यादा हो गया भाई, बिल्कुल नहीं, ये मूवी आपको उसी तरह से फील कराएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे मूवी नहीं भाई, खतरनाक मूवी 2010 की एक्शन थ्रिलर के साथ आई सॉ द डेविल। यार 2010 की मूवी पर जरा सा भी फील नहीं होने देती कि ये 12 साल पुरानी मूवी है। जब उसकी प्रेग्नेंट बीवी को बेरहमी तरीके से मारकर पीसेस में काटकर फेंक दिया जाता है, तब एक पति अपने पति की कातिल को ढूंढने के लिए पूरे शहर में भूचाल मचा देता है। और सच में भाई इसके कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी इम्पैक्टफुल मूवी बना डाला, चाहे वो डायरेक्टर की इमेजिनेशन हो, कैरेक्टर की एक्टिंग हो या फिर वो कैमरा एंगल का मूवमेंट हो। भाई अभी तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो अभी जाकर करिए। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, मूवी हिंदी में डब नहीं है। अगर आपको जरा सा भी इंग्लिश आती है तो भाई ये मूवी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक ट्राई देकर तो देखिए। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट हम ढूंढ के आप तक लाते रहते हैं भाई लोग। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।